गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, उसमें पांच चीजें आपको बताई थी, आई होप आपने याद कर ली होंगी। दो चीजें आज मैं सबसे पहले टॉपिक आज मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ सॉइल, लेकिन उससे पहले दो टर्म आप याद कर लीजिए आ जाते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में सबसे पहले है आपका पेडो जेनेसिस और दूसरा है आपका सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, पेडोजेनेसिस और सॉइल प्रोफाइल। पेडोजेनेसिस होता क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? पेडोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, बहुत शॉर्ट में प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बाय गैदरिंग। अब देखिए आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। प्रोसेस है किस चीज की? सॉइल फॉर्मेशन की। और किससे सॉइल फॉर्मेशन? वेदरिंग से। ये तीन कीवर्ड आपको याद रखना है, प्रोसेस, सॉइल फॉर्मेशन, वेदरिंग। ठीक है, तो पेडोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बाई वेदरिंग। ठीक है, इसकी इधर लिख देता हूं जब तक आप नोट करो अगर चाहो। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब देखो आप में से ज्यादातर लोग बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता होगा क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए कि एक जमीन का टुकड़ा है या मिट्टी का टुकड़ा है, इसको हमने बीच से काट दिया। काटने के बाद हमने इसको इस तरफ घुमा दिया तो आपको इसमें बहुत सारी लेयर्स दिखेंगी। कहीं पर बहुत छोटे छोटे कंकड़ हैं, कहीं पर ऐसे लेयर्स दिख रहे हैं, कहीं पर नीचे पानी है और ऊपर एक सिंपल मिट्टी है। तो इस तरह की जब लेयर दिखेंगी तो ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, रफ कर देता हूं इसको, याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, अब मैं बुक की हेल्प लेते हुए पढ़ाता हूं, क्योंकि वैसे पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा आगे निकल जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते कि इसमें मैं अपने लेवल का पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कुल मिला के कितनी सॉइल है? सबसे पहले देख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉइल। पहला सबसे मेन एलुवियल सॉइल। ठीक है, दूसरा ब्लैक सॉइल, तीसरा रेड सॉइल, फोर्थ है हमारा लेटराइट सॉइल। ठीक है, एल्यूवियल ब्लैक रेड एंड लेटराइट, ये चार होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर अगर हम और क्लासिफिकेशन करना चाहें तो फिफ्थ नंबर पर हम लिख सकते हैं डेजर्ट सॉइल एंड सिक्स नंबर पर लिख सकते हैं माउंटेन सॉइल। ठीक है, इनको हम साइड में रखेंगे, मेन होते हैं ये चार। कौन कौन से? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है ना, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेनियस या माउंटेन सॉइल। अब टाइप्स ऑफ सॉइल तो इतने, ठीक है, अब इन टाइप्स ऑफ सॉइल में आके इनका टाइप इतने सारे क्यों बना दिए गए भाई? इनमें क्या क्या चीजें डिफर करती हैं? देखो यहां पे वो भी देख लो, इधर लिख देता हूं मैं, आखिर क्यों इनके इतने ज्यादा डिवीजन कर दिए गए। पहला लिख लो कि इसमें आपका मिनरल कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन डिफर करती है। ठीक है, अब क्योंकि मिनरल कंपोजिशन डिफर करती तो फर्टिलिटी भी डिफर करती है। ठीक है ना, तीसरा ये सारी की सॉइल जो है वो देखने में अलग है, इनको आप विजुलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग है। अब
क्योंकि जब देखने में ही अलग अलग है तो हमने इनका नाम लिख दिया है, अलग अलग रंग नाम रख दिया है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफर है, प्रॉपर्टीज भी डिफर है या डिफरेंट है। चौथा, एरिया इज डिफरेंट, एरिया इज डिफरेंट, ठीक है, इसलिए इनका नाम हमने अलग अलग रख दिया क्योंकि अलग अलग एरियाज में मिलती है। पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा दे आर सुटेबल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। सबसे पहले तो मिनरल कंपोजिशन, भाई इन सारी की सारी सॉइल्स में अलग अलग मिनरल कंपोजिशन है, ठीक है, किसी में भी सिमिलैरिटी नहीं है, किसी में नाइट्रोजन ज्यादा है, किसी में पोटाश ज्यादा है, किसी में ह्यूमस ज्यादा है और किसी में कम है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए तो एलुवियल सॉइल में ये सारी चीजें ज्यादा होती है, लैटेराइट सॉइल में ये सारी चीजें कम होती है। अगर देखा जाए तो लैटेराइट सॉइल में तो सब कुछ धुल जाता है, ये एक लीस्ट सॉइल है, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। बनने का तरीका, हाँ एक और भी चीज डिफर करती है, सिक्स ध्यान लिख लो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एल्यूवियल सॉइल रिवर के थ्रू बनती है, ड्रेन होकर आती है, इसलिए इसको रिवराइन सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल रेड सॉइल दोनों ही लावा से बनती है, यानी इग्नियस रॉक से बनती है। लैटेराइट सॉइल का बनने का तरीका कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से ये धुल जाती है, इसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ड्रेन आउट हो जाते हैं, ठीक है, वॉश्ड हो जाते हैं, तो इसका बनने का तरीका अलग है। डेजर्ट सॉइल तो फिर अलग ही है, वो सॉइल का रेत होती है जो कि डेजर्ट में मिलती है, और माउंटेनियस सॉइल ये भी अलग क्योंकि सिर्फ पहाड़ों पर मिलती है, ठीक है। तो इधर आपके पांच टाइप छह टाइप ऑफ सॉइल हो गए हैं, लेकिन मेन हम ये चार पढ़ेंगे, उसके अलावा मिनरल कंपोजिशन, फर्टिलिटी, प्रॉपर्टीज, एरिया इज डिफरेंट, दे आर सुटेबल फॉर डिफरेंट क्रॉप एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इन सारी वजहों से हमने इतने सारे डिविजन किए हुए हैं, ठीक है। अब दे आर सुटेबल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स का भी एक एक्सप्लेनेशन सुन लो कि मान लो हमको कार्डियम, कार्डियम यानी कि इलायची उगानी है, ग्रो करनी है, तो एल्यूवियल सॉइल में जब हम इलायची उगाएंगे तो नहीं होगी। एल्यूवियल सॉइल में हम मान लो कि काली मिर्च, जायफल, जावित्री ये सारी चीजें उगाएंगे तो नहीं उगेगी, ठीक है। अब गेहूं चावल उगाने के लिए एल्यूवियल सॉइल परफेक्ट है, लेकिन अगर वही चीज हम लैटेराइट सॉइल में उगाने लगे कि भाई लैटेराइट सॉइल में हम ग्रो करेंगे गेहूं चावल, हो जाएगा। अगर यहां पर 100 किलो होता था तो लैटेराइट सॉइल में 10 किलो होगा, तो जब हमें पता है कि जब हमें 90% का नुकसान हो रहा है तो लैटेराइट सॉइल में गेहूं चावल क्यों उगाएंगे, हम वो उगाएंगे ना जो वहां पे होता है या जो आसानी से हो सकता है। रेड सॉइल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो आप देख रहे हो ना कि अलग अलग सॉइल अलग अलग क्रॉप को सूट करती है, उनके लिए सुटेबल है, तो इसकी वजह से हमने इनका इतना सारा डिविजन कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, अब देखो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एल्यूवियल, दूसरा ब्लैक, ये दो सॉइल हम एक क्लास में पढ़ लेंगे, क्लास नंबर वन। तीसरा हो जाएगा हमारा रेड, चौथा हो जाएगा लैटेराइट, ये दो सॉइल हम दूसरी क्लास में पढ़ लेंगे। रही बात डेजर्ट एंड माउंटेनियस की, तो उसके बारे में मैं बस आपको मैप में बता दूंगा कि ये कहां मिलती है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही इस क्लास में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अलग से सॉइल्स कैरेक्टरिस्टिक और वो कहां पर